भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती मनाई गई और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुशाभाई ठाकरे की यादों को साझा किया, साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। हर चीज हमारे अनुकूल हो जाए कभी नहीं, इसलिए किसी भी परिस्थिति का हमारे मन पे कोई असर नहीं करना। जो काम है उसको बेहतर से बेहतर करें, वही सच्चा कर्म होगी है। जिसका मतलब फल की कामना किए बिना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य ज्यादा करें, इसके व्यवहारिक रूप से देखें तो लक्ष्य तो तय करेंगे। अब की बात 212 लक्ष्य तय करेंगे, उसमें करेंगे लक्ष्य प्राप्त करने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर कहीं असर भी हो गया तो वो हम पे हावी नहीं होगा कि तुम रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, पार्टी के नाते और व्यक्ति के। वहीं प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पवित्र दिन अब की बार 200 पार का नारा दिया है, उसे हम पूरा करेंगे। देखिए, अब की बार 200 पार का नारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अगर ये उल्लेख किया है तो आज तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है और मध्य प्रदेश के संगठन शिल्पी निष्काम कर्मयोगी और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत का मध्य प्रदेश का एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इस दिन अगर कोई शब्द हमारे सामने आए तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि जो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे उनको चरितार्थ करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।